हाय स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का चैप्टर नंबर 7। कैन यू सी द पैटर्न? अगर मैं बोलूँ मेरा ये पैटर्न है साड़ी में, एक स्ट्रिप फिर ये, फिर वापस एक स्ट्रिप, देन बांधनी। तो एक पैटर्न फॉलो है, जैसे 1 2 फिर 1 2। तो हम जब कुछ चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पर आ रही, जैसे हमारा रिपीटेड हो रहा है, कुछ डिजिट्स रिपीट हो रही है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे हम अगर डेज की बात करें तो हम लोग 30 डेज रखते हैं, 30 डेज या 31 डेज रखते हैं, फिर वापस हमारा 1 से स्टार्ट हो जाता था। वीक है, फॉलो हो रहा है एक पैटर्न, संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे, सैटरडे गया फिर वापस क्या आ जाता है संडे, मतलब एक पैटर्न है कि हाँ भाई इसके बाद यही होगा। तो पैटर्न्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करें। ईशो योर शर्ट स्कर्ट इज ब्यूटीफुल, तुम्हारा स्कर्ट जो है वो ब्यूटीफुल है। माय मदर मेड दिस पैटर्न, मेरी मम्मी ने ये पैटर्न बनाया, उसके एक डिजाइन बनाई है। आई सी द सेम ब्लैक मेकिंग ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता, हाउ वॉज इट डिफरेंट? मैं तो ऐसे ही देख रही कि सर इस पर एक ब्लॉक है और उसी ब्लॉक से ये तुमने डिजाइन बनाई है। इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज 1 अप एंड 1 डाउन, देन दिस इज रिपीटिंग। तुम्हारा जो कुर्ता स्कर्ट है उसमें पैटर्न जो है वो कैसे बनाने, 1 अप फिर 1 डाउन फिर अप देन डाउन। बट इफ माई ब्रदर कुर्ता is it's once up, then take up 1/4 every time, the rule is to repeat with an 1/4 clockwise, 1/4 clockwise yani half turn kiya fir wapas half turn fir wapas turn fir upar, jaise agar main pehle maine aise rakha first turn, then my half turn will be 1/4 turn, then aise then wapas 1/4 mera ye hoga, fir wapas mera turn aise, then again it will be up, कौन सा टर्न हो रहा है, दैट इज 1/4 टर्न होता जा रहा है। नाउ यू सी द टू रूल्स टू मेक अ पैटर्न विद दिस ब्लॉक, दो ब्लॉक से क्या बना, एक अप एक डाउन बना, जो पहला वाला है इसमें देखो फर्स्ट अप देन डाउन, फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, एक ही ब्लॉक यूज किया, जैसे मैं ये 10 से एक ही जैसे पकड़ के रखू, एक फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल रख रही हूँ वर्टिकल रखू, फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, तो एक ये पैटर्न है, ब्लॉक एक का ही है, तो मैंने पैटर्न चेंज किया। वहीं ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसमें फर्स्ट अप देन 1/4 टर्न देन अगेन 1/4 टर्न फिर अगेन 1/4 टर्न, तो वो रिपीट रूल कर रहा है। नाउ फिर टर्न एंड पैटर्न, मतलब टर्न करते जाओ पैटर्न देखते जाओ, लुक एट दिस ब्लॉक, वी मेक 3 डिफरेंट रूल टू टर्न इट क्लॉक वाइज एंड सी द पैटर्न, फर्स्ट 1/4 टर्न किया और उसने पैटर्न दिखा, फिर लो क्योंकि ये सारे पिक्चर्स बोर्ड पे बनाने पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम बुक में देखते हैं। फर्स्ट जो टर्न है दैट इज रिपीटेशन ऑफ 1/4 टर्न, 1/4 यानी जैसे ये हमारा, अगर मैं किसी चीज को पार्ट करूँ तो ये इतना टर्न करें तो मेरे 1/4 टर्न होता है, अगर मैं इतना पूरा करें तो मेरे लिए हाफ टर्न, कितना होता है हाफ टर्न होता है। तो चार में से मैंने से 1 टर्न किया इसलिए 1/4, अगर मैं 2 टर्न कर रही हूँ तो हाफ टर्न हो गया, देखो ये 1 टर्न किया इसलिए 1/4, फिर वापस हाफ 1/4 किया फिर अगेन 1/4 फिर अगेन 1/4, जबकि सेकेंड वाला जो पैटर्न है उसमें कैसा हो रहा है हाफ टर्न हो गया, मतलब पूरा का पूरा नीचे आ गया फिर नीचे का ऊपर गया, तो यार अप एंड डाउन वाला जो पोर्शन था वो कैसा हो जाएगा हाफ टर्न हो जाएगा। लास्ट दैट इज 3/4 यानी तुम्हारा ये 4 ब्लॉक में से अगर मैं सिर्फ 3 जगह पे प्लेसेस की, कौन सी प्लेसेस दे रही हूँ 3 प्लेस, अगर मेरी जो प्लेस यहाँ पे है तो मैंने ये वाला लिया ब्लॉक पे यहाँ लिया, फिर तीसरे टर्न पे आके मैं यहाँ पे मैंने कितने रोड फॉलो किए 3, मतलब 3 मैंने क्वाड्रेंट को क्लियर किया इसलिए मेरा कौन सा टर्न आ गया 3/4 टर्न आ गया। नाउ व्हाट वुड शुड कम नेक्स्ट, हमारे पास एक पिक्चर दी हुई थी दैट इज येलो ऑरेंज, एक डॉट यहाँ है दूसरा डॉट यहाँ, फिर वही को मैंने कितना टर्न किया स्लाइटली दैट इज 1/4 टर्न किया, तो मेरा ये कहाँ आ गया ऊपर आ गया येलो इधर ऑरेंज, फिर वापस 1/4 टर्न करूंगी तो येलो यहाँ ऑरेंज है, अगेन मैं 1/4 टर्न करूंगी तो येलो एक्जैक्टली ऊपर है ऑरेंज एक्जैक्टली नीचे, वही वापस मैं 1/4 करूँ तो येलो मेरा स्लाइडिंग में आ गया और ऑरेंज भी मेरा स्लाइडिंग में, और यहाँ पर देखो ये जो टर्न हुआ ये पूरा का पूरा टर्न क्या हुआ हाफ टर्न, कितना टर्न ये वाला जो टर्न है ये 1/4 पैटर्न में था ये हाफ टर्न, वापस इसको मैं चेंज करूँ तो वापस एंड देन अगेन सेट फिर अगेन एंड, और यही पैटर्न फॉलो मेरा होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 डॉट्स वाले हैं, साथ साथ भी हम देखते हैं
पैटर्न है, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर हमारे डॉट्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 डॉट, देन फिर अगेन जो टर्न है ट्राइंगल का शेप वही का वही है ना, उसके बाद डॉट यहाँ आ गया, चार डॉट यहाँ आ गया, फिर तीसरा मेरा वापस कहाँ चला गया, साइड चेंज हो गया, 1 2 3 4 वापस ही, अब वापस जब रिपीट होगा फिर क्या हो जाएगा, पहला मेरा डॉट कहाँ था, नीचे था, फिर मेरे एक साइड आया सिंगल और ट्रेस है, वापस मेरे जो पैटर्न फॉलो होगा कौन सा जाएगा, यही आ जाएगा, कौन सा जाएगा, ये आ जाएगा, देखो कितना टर्न हुआ, यहाँ से ये यहाँ है, यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर ये जो यहाँ से आया ये कैसे हो गया, यहाँ से यहाँ जा रहा है, सॉरी ये वाला डॉट मेरा यहाँ आ जाएगा, वापस अब क्या आ जाएगा, ये आएगा ये वाला पीछे कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, थ्री साइड, थ्री साइड में वो कितना फॉलो करा है, 1/3 कौन सा रोटेशन कर रहा है, 1/3 का रोटेशन हो रहा है, देन उसके बाद हमारे पास है दूसरा पैटर्न, उसमें उसने कितना रोटेट किया, देखो नीचे है फिर साइड में फिर ऊपर, तो अब इस साइड आ जाएगा, नेक्स्ट विल द पिक्चर विल बी हमारी जो नेक्स्ट पिक्चर बनेगी उसमें कैसा पैटर्न आ जाएगा, इट विल बी ऐसा जिसमें ये बना हुआ आएगा, यहाँ पे पिंक आ जाएगा, सॉरी यहाँ ब्लू आएगा, यहाँ पे पिंक आएगा, ठीक है, अब फिर वापस जो पैटर्न आएगा उसमें क्या जाएगा, मेरा ट्राइंगल है वो यहाँ आएगा, देन अगेन क्या जो ट्राइंगल आएगा वो जो पिक्चर बनेगी वो कहाँ से बनेगी, वापस ये एक एक्स्ट्रा आएगा, उसके बाद वापस ये का यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा, वही अब एफ की बात आई, 1/4 रोटेट करें, कितना करा है, 1/4 रोटेट करें, नीचे है, अब स्ट्रेट वाले का जो लास्ट वाला ऑप्शन है दैट विल बी इट विल कम लाइक दिस, ये कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दिए हुए हैं, हमें होमवर्क में क्या करना है, हमें ये सारे के सारे पैटर्न्स देखना और रूल बताना है, नाउ पैटर्न चूज द वे दैट कम नेक्स्ट राइट ऑफ द लाइन सेट, देखो इधर क्या हो रहा है, फर्स्ट यहाँ था फिर टेढ़ा हो फिर टेढ़ा हो, अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कौन सा वाला है, दैट इज अब जो आएगा नीचे ये वाला है, कौन सा वाला आएगा, सेकेंड वाला, उस तरह से आपको पैटर्न्स देखने हैं, ये सारे के सारे पैटर्न्स जो है वो तुम्हारे होमवर्क में है, तुम्हें करने हैं, उसके बाद हम देखते हैं हम मैजिकल स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज ये टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 104 में जो बुक है उसमें क्वेश्चन है 775 पैटर्न हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, देखो 7 × 10 70 10 × 2 20 2 × 13 दैट इज 26 13 × 5 65 5 × 14 70, हमें क्वेश्चन नंबर ए करना है, दैट इज मैजिकल जो बॉक्स हमें दिया हुआ है एग्जाम में, यहाँ है हमारे पास 9 10 108 10 सर्कल 10 दिस 10 दिस, यहाँ पे हमारे पास क्या है 7 के बाद यहाँ पे 70 then 10 then 6 then box then 11, देन इन दोनों के बीच में क्या है हमारे पास बॉक्स, ठीक है, अब मेरी मर्जी को नाइन और एट क्या हो जाएगा, 8 9 2 जा
पैटर्न फॉलो की दो जो सर्कल में है उसका मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर वाला बॉक्स का हमें रिजल्ट मिल रहा है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज इसी का जो दूसरा है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस दे आर इक्वल, एस दे आर इक्वल, आर दे आर इक्वल 24 प्लस 19 प्लस 37 इक्वल्स टू 37 प्लस 24 प्लस 19, कौन सा रूल हो गया? एडिटिव है, मतलब प्लस हो रहा है, एसोसिएटिव रूल हो गया, यहां से प्लस करो कि यहां से प्लस करो, रूल फॉलो सेम है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस बी प्लस ए। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी करूँ या सी प्लस बी प्लस ए करूँ, मेरा आंसर सेम है। अगर सपोज मैं 1 प्लस 2 प्लस 3, मेरा आंसर है 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6। तो वही मैं पीछे से करूँ 3 2 प्लस 1 तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, ये मेरी क्या होगी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। वहीं हमें दूसरा 215 और 120 दिया हुआ है, वही एडिशन का, तो ये एडिशन रूल हो गया। कौन सा रूल हो गया? रूल ऑफ एडिशन का एसोसिएटिव रूल हो गया। इसमें अगर ए प्लस बी प्लस सी करो या सी प्लस बी प्लस ए करो तो रूल विल बी सेम। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज हमें यहाँ 14 गिवन है प्लस डैश इक्वल्स टू 34 प्लस 14 प्लस 20। मेरा 14 ऑलरेडी आ गया, बचा मेरे पास क्या 34 और 20। इट्स माय डिपेंडेंट कि मैं 34 या 20 लिख सकता हूं, ठीक है। वही नेक्स्ट है 42 नॉट डैश प्लस 42 प्लस डैश इक्वल्स टू 65 प्लस डैश प्लस 80। यहां पे 42 नहीं तो मैं यहां क्या लिखूंगी 40, यहां पे क्या लिखना है 65 प्लस 80। ओके, तो ये जो रूल है कि सेम है, मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी लिखो या सी प्लस बी प्लस ए लिखो, दैट इज द रूल ऑफ एडिशन ऑफ एसोसिएटिव इज ट्रू। वही हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, दैट इज ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये क्या है? ट्रू। ये कौन सा हो जाएगा? एसोसिएटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं 2 इंटू 3 लिखूं तो आएगा आंसर 6, अगर मैं 3 इंटू 2 लिखूं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 6 है। अगर वही मैं अगर इसको सी तक ले जाऊं, अगर इसी रूल को मैं सी तक लेके जाती हूँ इंटू सी इंटू सी, तो मेरा क्या आंसर 2 इंटू 2 इंटू अच्छा 3 इंटू 4 करूँ, 3 टू जा 6, 6 4 जा 24। वही अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ 3 इंटू 2 इंटू 4 या 4 इंटू लिखूँ मेरा आंसर आएगा 24। तो ये रूल कौन सा है? एसोसिएटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा यहाँ तक हमने क्या देखा कि एडिशन पैटर्न्स हमने देखे कि टर्न्स हो रहा है, कि स्पेसेस में हाफ टर्न हो रहा है, कि 1/4 हो रहा है, कि 1/3 टर्न हो रहा है। वही हमने पैटर्न में और रूल्स में देखा कि एसोसिएटिव रूल ऑफ एडिशन देखा, हमने एसोसिएटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे सारे दूसरे पैटर्न जो भी हमें इसमें दिए गए हैं। ओके, थैंक यू।